आज ये पक्का है अतीश जी की सरकार गिर रहा है, सरकार गिर रहा है ये पक्का है। और आपको बता दें कि बीजेपी के लिए सभी कंडीशन में विन विन की स्थिति है। नीतीश कुमार क्या फितरत को समझिए, 2013 में जो नरेंद्र मोदी इनको सांप्रदायिक लगते हैं वही नरेंद्र मोदी 2017 में पाक साफ होते हैं। बीजेपी इस खेल को खत्म करना चाहती है, उनका सीधे सीधे यही कहना है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए और इसी कारण ये देर हो रहा है। जो तेजस्वी यादव 2017 में इनको करप्ट लगते हैं वो 2022 के 9 अगस्त को इनको साफ सुथरे लगने लगते हैं, स्वच्छ लगने लगते हैं। ये चरित्र है नीतीश कुमार का। इंडिया अलायंस जो है उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। ममता बनर्जी छटक गई, केजरीवाल पंजाब से हाथ खींच लिए और जो इसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार वही अलग हो जाएंगे। तो फिर इंडिया गठबंधन का मामला कह रहा है, अगर वो सीएम पद छोड़े फिर उनका सुनने वाला कौन होगा? आप ही बताइए, अभी अभी तो उनके पास सीटों की संख्या नहीं है, 40-45 ही सीट है, लेकिन वो सीएम है इसलिए उनका ये इतना भी है। उपेंद्र कुशवाहा को बोले कि आप ही को संभालना है, पीके को बोले कि आप ही को संभालना है, आरसीपी भी इसी भरोसे थे कि आप ही को संभालना है। नीतीश कुमार की बात नरेंद्र मोदी से हुई है। जी हाँ, बिहार में जिस तरीके से सियासी हलचल बढ़ी है उसके बाद एक बात पक्के तौर से हम कह सकते हैं कि बिहार की सरकार गिरने जा रही है। महागठबंधन की जो सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, वो टिकने वाली नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगले दो दिनों के अंदर, क्योंकि कल 26 तारीख है तो कल हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद बिहार में सरकार गिरने जा रही है। सरकार नहीं बनेगी, विधानसभा भंग होगा, नया सीएम कौन होगा, कई तरह की चर्चा है। देखिए, बीजेपी के एक विश्वस्त सूत्र से हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत में जो बातें निकल कर सामने आई है कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने शर्त रखा है सीएम गद्दी छोड़ने को लेकर। तो बीजेपी ने यह शर्त रखी है, लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगले 5 सालों तक बिहार के वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और इसके बदले में बीजेपी उनसे कुछ भी करवा ले, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बिहार कैबिनेट हो। क्या मसला है, कैसे सुलझेगा, पेच फंसा हुआ है। अब जिस समय ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं इस समय दिल्ली में बैठक चल रही है अमित शाह सम्राट चौधरी की, और बिहार भाजपा कोटे से जितने भी सांसद हैं सभी की बैठक चल रही है। सुशील मोदी भी मौजूद है हमारे साथ, आदेश पुरी भी है, लगातार इस खबर पे अपनी पकड़ नजर बनाए हुए हैं। आदेश जी, जो खबरें आ रही हैं, शर्त रखा जा रहा है, बीजेपी शर्त रख रही है, जदयू शर्त रख रही है, नीतीश और नरेंद्र मोदी की बातचीत है, अमित शाह नहीं है, क्या खबर? देखिए, खबर यही है जो आपने कहा कि नीतीश कुमार का कहना है कि मुझे 5 साल और रहने दें और लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ कराया जाए, ये शर्त के साथ है उनका। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सीएम पद आपको छोड़ना पड़ेगा। अब सीएम के साथ कॉम्प्रोमाइज ना, सीएम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि फिर बातें वही चली आएंगी। नीतीश कुमार जो है वो इसमें विश्वासी नहीं है, वो महागठबंधन में भी आए थे तो यही बोले थे कि 25 में तेजस्वी जी को ही संभालना है, लेकिन देखिए 25 से पहले ही खेल हो रहा है। फिर से आपको बता दे कि अपने और भी सहयोगी नेताओं को बोले हैं, उपेंद्र कुशवाहा को बोले कि आप ही को संभालना है, पीके को बोले कि आप ही को संभालना है, आरसीपी भी इसी भरोसे थे कि आप ही को संभालना है। बीजेपी जो है अब फिर से नीतीश के लिए वही पहले वाला, हम बताइए आप ही, विधानसभा भंग होता है, मान लीजिए लोकसभा के साथ चुनाव कराया जाता है, फिर नीतीश कुमार 110-115 सीट पर लड़ेंगे, हो सकता है फिर 60-70 सीट जीत जाएं, फिर वो लगा देंगे कि हमको बनाइए सीएम, तब तो मजबूरी हो जाएगी, या फिर हम जा रहे हैं आरजेडी के साथ। तो बीजेपी इस खेल को खत्म करना चाहती है, उनका सीधे सीधे यही कहना है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए और इसी कारण ये देर हो रहा है। अभी आपको बता दें कि बैठक जो है बीजेपी में, अमित शाह, विनोद तावड़े है बिहार के प्रभारी है, फिर से सम्राट चौधरी है, सुशील कुमार मोदी है, सांसद लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में जो निर्णय, देखिए नीतीश कुमार के यहाँ बैठक हो चुका है, नीतीश कुमार अपने नेताओं से ललन सिंह, विजय चौधरी, लोग सब से भेंट करके अपना पॉइंट ये करके बता चुके हैं दिल्ली। वहां पर जो अमित शाह की बैठक हो रही है, उस बैठक में जो सर्वसम्मति से फैसला दिया जाएगा उसको प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, और जो हमें सूचना मिल रही है कि प्रधानमंत्री सीधे नीतीश कुमार से बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, 7 बजे से वो बैठक चलने वाली थी, बैठक शुरू भी हो गया है, अब उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, क्या बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के शर्तों में कंसेशन कर सकता है, वो ये कह सकता है कि ठीक है आप लोकसभा चुनाव तक बने रहिए या फिर अभी छोड़िए, जो भी है। लेकिन बता दें आपको हम कि
आज ये पक्का है आदेश जी की सरकार गिर रहा है, सरकार गिर रहा है, ये पक्का है। और आपको बता दें कि बीजेपी के लिए सभी कंडीशन में विन विन की स्थिति है। नीतीश कुमार सीएम न रहे, बीजेपी का सीएम बने उसमें भी उनकी जीत है, और नीतीश कुमार अगर छोड़ भी देते हैं और नीतीश कुमार अगर सीएम बन भी जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि वो इंडिया एयरलाइंस को नेस्तनाबूद कर दिए। इंडिया एयरलाइंस जो है उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। ममता बनर्जी छटक गई, केजरीवाल पंजाब से हाथ खींच लिए, और जो इसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार वही अलग हो जाएंगे, तो फिर इंडिया गठबंधन का मामला क्या रह जाएगा, जिन्होंने बनाया वही हट जाएगा। फिर से दूसरा चीज है कि इनको ये फायदा है कि नीतीश कुमार इससे जातीय जनगणना कराए, नौकरी दिए बिहार में, रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाए, तो वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था बिहार में, वो भी संभावना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना का बात जो है वो हवा हवाई हो जाएगा, उस बाद इसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो ये जो है ये नीतीश कुमार को साथ लाने में फायदा है। तो बैठक चल रही है कि क्या नीतीश कुमार को अब सीएम के बिना लिया जाए, उस पर टिका रहा जाए, या फिर उनको कुछ महीने के लिए सीएम बनने दिया जाए, यानी कि लोकसभा चुनाव तक रहने दिया जाए, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या हुआ? नीतीश कुमार का मन तभी उसके बाद ही बदल सकता है। मिस नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार आगे के लिए ऑप्शन रखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने भी प्रॉब्लम है, अगर वो सीएम पद छोड़े फिर उनका सुनने वाला कौन होगा, आप ही बताइए। अभी अभी तो उनके पास सीटों की संख्या नहीं है, 40-45 ही सीट है, लेकिन वो सीएम है इसलिए उनका ये इतना भी है, सब कोई सुन रहा है, चाहे वो है ड्राइविंग सीट पे है, लेकिन जिस दिन वो सीएम से हटे उस दिन ड्राइविंग सीट से हट जाएंगे वो, उनका कोई चलती नहीं रहेगा। तो देखिए नीतीश कुमार भी जो है आरजेडी के साथ तो नहीं रहने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी अपने शर्तों पर कहें तो अपनी शर्तों को बहुत हद तक पूरा करवाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, और पहला उसमें यही है पेच, सीएम इनको रहना है। अब देखिए क्या होता है। चलिए तो देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार क्या फितरत को समझिए, 2013 में जो नरेंद्र मोदी इनको सांप्रदायिक लगते हैं, वही नरेंद्र मोदी 2017 में पाक साफ होते हैं। जो तेजस्वी यादव 2017 में इनको करप्ट लगते हैं, वो 2022 के 9 अगस्त को इनको साफ सुथरे लगने लगते हैं, स्वच्छ लगने लगते हैं। ये चरित्र है नीतीश कुमार का, और एक बार फिर से उसी चरित्र का परिचय नीतीश कुमार देने जा रहे हैं राजभवन के पास। गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ी हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आने जा रहा है। एक और जो खबरें जो मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि नीतीश कुमार, देखिए कि ये हो सकता है कि बीजेपी को बोले कि आप शामिल होइए और हम मुख्यमंत्री रहते विधानसभा भंग करेंगे, और लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद जो है जो भी उसको लेकर बात होना हो उस समय, कि इससे नीतीश कुमार को समय मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अगर वो सीएम पद से हटते हैं तो उनकी वो एकदम राजनीति से एकदम बाहर हो जाएंगे, और लोकसभा का चुनाव भी है, और अगर वो विधानसभा को बीजेपी के साथ मिलकर भंग करवा देते हैं तो उनसे उनको ये फायदा होगा कि कम से कम 3 महीने तक जो है कोई सीएम नहीं रहेगा, तो सभी नेता का जो है वो नीतीश कुमार एक बने रहेंगे प्रासंगिक कम से कम लोकसभा चुनाव तक, और उस समय विधानसभा का भी चुनाव होता है तो फिर उसके बाद जो सीट आएगा उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी से अपना वो सीट को लेकर ये बात करें, उसके बाद सीट आ सकता है, उसके बाद फिर जो है कि कहेंगे कि जनादेश मिला है हमको, जनता ने हमको चुना है और हमें बनाया जाए फिर से। तो ये भी रणनीति हो सकती है कि वो बीजेपी के साथ आकर बीजेपी का बात रह जाएगा कि उनको सीएम नहीं रहना है, और इनका ही बात रह जाएगा कि चलो हम नहीं तो कोई और भी नहीं, हम रेलेवेंट बने रहेंगे, तो हो सकता है कि वो विधानसभा भंग करवाएं, बीजेपी में आते ही पहला कदम वो यही उठाएं, यही होता। तो मतलब एक विकल्प नीतीश कुमार के लिए ये भी है, मानकर चलिए कि विधानसभा भंग हो सकता है, और बहुत तार्किक है क्योंकि बीजेपी की जो शर्त है, नीतीश कुमार की जो शर्त है, दोनों पर खड़ा ये गठबंधन जो एनडीए का बनेगा वो तभी उतर सकेगा जब विधानसभा भंग होगा। तो क्या होगा वो अपडेट आपसे तब तक हम पहुंचाएंगे, आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम अदित तारण है, मेरे साथ इस चर्चा में आदेश पुरी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।